हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आप लोग मजे में होंगे, मस्ती में होंगे, जहाँ भी होंगे खूब सारा फन कर रहे होंगे। और अभी विंटर्स का टाइम है और विंटर्स का टाइम तो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट होता है विदाउट साग के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के। पूरी सब्जी मंडी भी इस टाइम फ्रेश कलरफुल फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से भरी होती है। तो सोचा चलिए मैं और मेरी मम्मी आप लोगों के साथ एक हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से मेरी मम्मी साग बनाते हैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरी नानी और दादी भी हमारे होम टाउन में बनाती हैं सेम वैसे ही। तो चलिए आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखो मैं ये साग बनाने जा रही हूँ, सरसों का, चने का, पालक का, बथुआ, मेथी सारा मिक्स करके इसको पहले साफ़ किया है, फिर साफ करके धोया। सरसों डालना है तो आप डाल सकती हैं, मुझे कम पसंद है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, ये ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद इसको साफ़ करके धो के अभी काट के इसको उबलने के लिए रखा हुआ है और मैं इसको खुला ही बनाती हूँ, इसमें सीटी नहीं लगाती क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता है। बस नमक डालकर उबालने के लिए रखा हुआ है। पानी डाला है आपने, थोड़ा सा पानी? हाँ, पानी इसमें डाला है मैंने 2 गिलास। अच्छा। ये 1.5 किलो साग है, इसमें 1.5 गिलास पानी डाला हुआ है। बस इसे हम ऐसे ही पकने देंगे? बस इसको पकने देंगे धीरे धीरे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी हींग। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं साग को रखे हुए ना, उसके बाद हम ये हींग डालेंगे। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिससे कि ये पानी और साग एक जैसा हो जाए, तो अलग अलग रहता है। पानी अलग दिखाई देता है, साग अलग दिखता है, तो इसको मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे इसका मक्की का आटा या बाजरे का आटा, कोई भी डाल सकते हैं। और अगर मक्की और बाजरे दोनों का आटा ना हो तो बेसन डाल सकते हैं? हाँ, बेसन भी डाल सकते हैं, मक्की बाजरे का आटा ना हो तो। इसको सूखा डालेंगे, अगर गाढ़ा होगा साग तो फिर उसको घोल कर डालेंगे पानी में से। अगर सही होगा तो फिर ऐसे ही डालने से सूखा डाल देंगे तो सही हो जाएगा। गांठ वगैरह नहीं आएगी कुछ भी, क्योंकि उसको मिक्स करना है अच्छे से। और गाढ़ा अगर हो जाए तो उसको घोल कर डाल दें। देखिए अभी ये साग बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी लहसुन और हींग का, और घी में तड़का लगाऊंगी। और रहने दो, लाइट जलने दो, ये बंद कर दी इससे ना हवा आज किचन में। अब ये घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये लहसुन कुटा हुआ, 8-10 कलियां है, और ये हींग, ये लहसुन पक जाएगा अच्छी तरह से, ब्राउन कलर का हो जाएगा, हम इसको इसमें तड़का लगा देंगे, बघार लगा देंगे। बघार मतलब जो चमचे से लगाते हैं ना? अच्छा, उसको बघार बोलते हैं। अगर हम कढ़ाई या फ्राई पैन में डालकर लगाएंगे तो वो
और ये यम्मी यम्मी साग बन के रेडी हो गया। बाजरे की रोटी के साथ खाइए, मक्की की रोटी के साथ खाइए, घर के मक्खन के साथ खाइए, साग का तो अपना ही मज़ा है सर्दियों में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँगी और बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँगी। बाय गाइस, टेक केयर।